नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, डीडीए एएसओ का पेपर हम लोग एनालाइज करेंगे। इसमें देखिए 19 सितंबर को क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और प्लस उसके एनालिसिस करेंगे किस हिसाब से पेपर आ रहा है। देखिए, उससे पहले मैं एक आपको बात बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था इसमें 18 सितंबर को, और फिर आज के जो मैंने क्वेश्चन देखे और प्लस इसका जो पैटर्न समझने की कोशिश की, तो ये पूरा पैटर्न जो है ये एसएससी सीजीएल का है। तो आप एक काम कर लीजिए, सबसे पहले आप यूट्यूब में जाएंगे। अगर आप यूट्यूब में जाके पहले देखिए, यूट्यूब में पूरा ओपन करिए इसको, यूट्यूब को, फिर उसमें आप सर्च करिए, क्या सर्च करिए आप, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एसएससी सीजीएल प्लेलिस्ट। इसको आप पूरा देख लीजिए तो बहुत आपको आसानी हो जाएगी। ये वाली जो प्लेलिस्ट है इसको आप क्लिक करके 169 के करीब इसमें वीडियो है ये वाली, और इसमें पूरे जो वीडियोस थे वो देख लीजिए आप एक बार, जितने आप मैक्सिमम देख सकें। तो आपके काफी सारे जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल की तरह ही इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। और या फिर आप हमारा पीडीएफ कोर्स भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उसके बाद ये देखिए, एनालिसिस अगर आप इसमें करें तो इसमें जो पैटर्न है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और 25 आपके अवेयरनेस के, 25 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और 25 आते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के। 50-50 मार्क्स के हैं, 200 नंबर का पेपर है। इसमें मार्किंग सिस्टम एसएससी से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें 1/3 माइनस मार्किंग है और 1.5 घंटे का पेपर है ये। अगर पेपर के लेवल की बात करें तो जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन करीब मॉडरेट थे, जनरल अवेयरनेस के मॉडरेट टाइप के ही थे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इजी टू मॉडरेट थे और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के इजी टू मॉडरेट थे। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आया था कि स्नैपचैट के सीईओ कौन थे। ये क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि जो स्नैपचैट को रिलेटेड कंट्रोवर्सी हुई थी, इनके सीईओ ने बोल दिया था कि हम इंडिया जैसी गरीब कंट्री में नहीं ऑपरेट करते हैं या फिर चाहते हैं, ऐसे करके आया था। एक क्वेश्चन आया था, गवर्नर जनरल कौन थे जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था। ये क्वेश्चन हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल। उसके बाद ये क्या ड्यूरेशन होती है राज्यसभा की, राज्यसभा इन एमपी का नहीं समझ में आया मुझे, ये पूछा होगा शायद कि ड्यूरेशन क्या होती है राज्यसभा की। तो राज्यसभा की तो एक मतलब एक एमपी कितने साल राज्यसभा में मेंबर रह सकता है, तो 6 साल ही होती है वो, तो ठीक है। उसके बाद अगर वो फिर से इलेक्ट होके आ जाए तो बात अलग है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अगर नहीं अवेलेबल है तो फिर कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक बार हो भी चुका है, जैसे एम हिदायतुल्ला थे उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर देखिए प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट आता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो फिर आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिपेंडेंस बांग्लादेश के, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। जब ये पहले तो ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन फिर ये 1971 में जब इंडिया ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो पहले जो इंडिपेंडेंस ये हुआ था, इंडिपेंडेंट हो गया था बांग्लादेश, उसके पहले प्रेसिडेंट थे शेख मुजीबुर रहमान। इंडिया मिक्स इकोनॉमी क्यों है, इसका रीजन अगर ऑप्शन मुझे पता चल जाए तो मैं बताऊं कि कौन सा ऑप्शन वहां पे आया गया था। वैसे तो ये है कि पहले ये सोशलिज्म यूरोपियन चलता था, फिर धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ आ गए हम लोग। तो मतलब मिक्स इकोनॉमी का मतलब ये कि जो इकोनॉमी में कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर का भी है प्लस गवर्नमेंट का भी है, एक जगह कहीं भी कोई एक क्षेत्राधिकार नहीं है, गवर्नमेंट का भी कई सारी जगह पे ये अधिकार है और प्लस प्राइवेट का भी, तो दोनों मिल के काम करते हैं इकोनॉमी में, मिक्स इकोनॉमी है। इसीलिए एक क्वेश्चन आया था कि ये कॉटन के लिए कौन सी सॉइल होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है टिक्कन प्लेटू वाले एरिया में, जो बसाल्ट है जहाँ पे एक्सक्लूसिव वाली इग्नियस रॉक्स है महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन में, कॉटन। जेंड अवस्था करके है एक, ये जो सेक्रेट बुक्स है किसकी होली बुक है, ये जोरोस्ट्रिज्म की है, मतलब कि पारसी लोगों की है ये। मालगुडी डेज के राइटर कौन थे, ये बुक है आर के नारायण की, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट के बाद बी आर अम्बेडकर जी क्या बने थे, ये मिनिस्टर ऑफ लॉ बने थे, इनसे रिलेटेड देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये पूरी लिस्ट दी हुई है ये विकीपीडिया में ही कि जब इंडिपेंडेंस हो गया था तब कौन कौन क्या क्या बने था। जवाहरलाल नेहरू बने थे पीएम और एक्सटर्नल मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ ये साइंटिफिक रिसर्च। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्टर बने थे वल्लभ भाई पटेल, और इसमें बने थे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये आर आर दिवाकर, फाइनेंस बने थे आर के शनमुगम शेट्टी, और मिनिस्टर ऑफ लॉ बने थे बी आर अम्बेडकर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बने थे बलदेव सिंह, ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, फूड एंड एग्रीकल्चर के थे राजेंद्र प्रसाद, ये आप याद रखिएगा।
इंडस्ट्री और सप्लाई से रिलेटेड जो मिनिस्टर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लेबर मिनिस्टर थे जगजीवन राम, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स बने थे सी एच भाभा और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन आर रफी अहमद किदवई, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थी अमृता कौर और ये मिनिस्टर ऑफ ये वर्क माइंस एंड पावर थे नरहर विष्णु कटगिल। तो ये आप कुछ देख सकते हैं, शायद ये आगे वाले शिफ्टों में पूछ लिए जाएं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आया था ट्राई एसीटोन ट्राई पर ऑक्साइड TATP किसकी वजह से न्यूज में था, ये था पेरिस में जो अटैक हुए थे उनका एक्सप्लोजिव था। उसके बाद ये हिंदी किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद ये पैरा जंबल के कुछ क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के कि हाउ टू मेक सलाद वाले, कुछ ऐसे ही इसके टुकड़े दिए गए थे और प्लस आपको इसको अरेंज करना था। स्पेलिंग चेक आई थी, एक ये एंटोनियम आए थे, फिर ये एडियम्स और फ्रेजेस आए थे, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था कि स्टीफन हॉकिंग से रिलेटेड और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। फिर देखिए ये कल के क्वेश्चन है और ये स्टेट इमरजेंसी होती है 356, मैंने आपको बताया भी था, और नेशनल इमरजेंसी होती है 352, स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, एक होती है 360 इमरजेंसी यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये तीन टाइप की इमरजेंसी होती है। ब्रिग्जिट कहाँ पे हुआ था, यूके में हुआ था, ये सब हम क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं 18 वाले में, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।